गौरव जोशी ब्लॉग कैसे शूट करते हैं, आज उन्हीं की तरह ब्लॉग शूट करेंगे और प्रैक्टिकली हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की यह सवाल है कि सर सौरव जोशी ब्लॉग्स कैसे शूट करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो आज हम शूट भी करेंगे। और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग, और आज की वीडियो देखने के बाद से आपको पूरा फुल नॉलेज मिल जाएगा कि सौरव जोशी अपना ब्लॉग कैसे शूट करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ। तो फाइनली अभी हम छत पे हैं, स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन आज की वीडियो अगर आपने देख लिया तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपकी जो भी मन में कन्फ्यूजन है कि आखिर सौरव जोशी अपना ब्लॉग ऐसे कैसे शूट कर लेते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं, कैसे बना लेते हैं, बहुत से लोगों के ये सवाल है, तो वही हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो अभी पहला जो स्टेप है, जैसे मान लीजिए हम घर पे हैं, अभी तो सुबह हुआ है, तो हम अपनी ब्लॉग यानी सौरव जोशी ब्लॉग कैसे शूट करते हैं वहीं अपन हो, तो हम अपना स्टार्टिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग वीडियो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी छत पर हूँ, और आज से मैं फ्रेंड्स ड्राइविंग, जो कार ड्राइविंग होता है, वहीं सीखने वाला हूँ। सो आज मैं जाने वाला हूँ अपने गाँव, मतलब अपने गांव से 15 से 16 किलोमीटर दूरी पे एक है देवरिया, और वहां पे ड्राइविंग, मतलब कार ड्राइविंग सिखाया जाता है, वहीं पे जाऊंगा और सीखूंगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्लिप जो है शूट हो चुका है, ठीक है। अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, तो किस तरीके से वो शूट करूँगा, जैसे मान लीजिए नीचे जाएंगे तो नीचे जो भी हमारे फैमिली मेम्बर है, जो भी करूँगा वो दिखाऊँगा। कैसे दिखाऊँगा, चलिए हम नीचे चल के दिखाते हैं। अभी तो छत से जा रहा हूँ, नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं सीढ़ियों में आ चुका हूँ, देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं अपने जो रूम है यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं कितना सामान जो है, अरे यार अभी तो गिर जाता, कपड़ा जो है बिखरा बिखरा पड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड में धूप नहीं हो रहा है, कितने मतलब कई दिनों से धूप नहीं हो रहा है, और धूप जो है फ्रेंड्स शाम के टाइम थोड़ा क्लीन मौसम हो रहा है, लेकिन उससे कपड़ा नहीं सूख रहा है, देख सकते हैं चारों तरफ कपड़े जो है बिखरे हुए। सो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा क्लिप हो गया, यानी दूसरा स्टेप हो गया, इसको भी मैं अपने ब्लॉग में मतलब बनाऊंगा, जब एडिटिंग करूंगा तो एकदम सा लगेगा कि हाँ यार ये तो मस्त ब्लॉग है, तो इस तरीके से दूसरा क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। मान लीजिए आप मुझे और कुछ काम कर रहे हैं, ब्लॉग में यही होता है फ्रेंड्स कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं उसको आप दिखा सकते हैं, क्योंकि एक कन्फ्यूजन थी और भी इस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ, कैसे ब्लॉग शुरू किया जाता है, ठीक है। आगे की स्टेप चलिए हम आपको दिखाते हैं। आज अभी मैं किचन की तरफ आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरी माँ जो है नाश्ता कर रही है, नाश्ता देख सकते हैं, और हाथ में नमकीन लिया है, और यहाँ पे मेरा टंडुल बाबू जो है आ चुका है, अंधेरा है, लाइट नहीं, इसी वजह से आप लोग को कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, वहाँ पे देख सकते हैं हेडपम्प है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने तीसरा क्लिप जो है शूट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे इसे पकड़ो, देखो यहाँ पे छोटा बंदा है। हेलो गाइज, बोलो। हाय गाइज। तो गाइज इस तरीके से अपना तीसरा क्लिप है जो शूट कर लेना है, कितना करोगे भाई। हेलो गाइज। तो चलिए आगे की स्टेप हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी हम बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद से फ्रेंड्स मैं जो अपना आगे के स्टेप है, आगे का क्लिप है कैसे शूट करूँगा, तो देख सकते हैं बाहर आया हूँ, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि हेलो गाइज, मैं यहाँ पे देख सकते हैं ठंड का मौसम है, आग सेकने आ गया, हाथ बहुत ठंडा हो गया और सीखना पड़ रहा है। तो इस तरीके से मैं जो भी एक्टिविटी करूँगा दिन में, सुबह से लेकर शाम तक, वो सारा कुछ हम एक एक क्लिप उसका रिकॉर्ड करता रहूँगा। ये नहीं कि हम बड़ा क्लिप रिकॉर्ड कर ले, अगर बड़ा क्लिप रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड तो एडिटिंग करते समय हमारा वीडियो मतलब घंटों के लगभग हो जाता है, तो उतना बड़ा नहीं वीडियो बनाना होता है, छोटे छोटे शब्दों में अपनी बात को बयां करना होता है, दिखाना होता है, और जो भी करना होता है मतलब छोटे छोटे क्लिप में। और यहाँ पर देख सकते हैं बाबू जो है, वहाँ पर बकरियाँ हैं, वहीं खेलने जा रहे हैं, ओए क्या कर रहे हो भाई, देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना जो आगे का क्लिप है शूट कर लिया। अभी हमको बाइक निकालना है, तो मेरा बाइक जो है अंदर की तरफ है, देख सकते हैं उधर है, यहाँ से बाइक लगा हुआ है,
घर छोटा है, दिक्कत होती है, देख सकते हैं किस तरीके से बाइक लगा रखे हैं। तो हम फाइनली इसको बाहर करेंगे, बाहर करने के बाद से देवरिया के लिए रेडी होंगे, तैयार होंगे, फिर जाएंगे देवरिया। तो वहाँ पे जो भी करेंगे दिखाएंगे, ठीक है। आज आगे की क्लिप जो है मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ कि ये जो मेरा बाइक मैंने अंदर से निकाल लिया, तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि फ्रेंड्स जो बाइक है मैं बाहर निकाली हूँ, और फाइनली जो छत पे जाऊँगा तो अपना ड्रेस जो है चेंज करूँगा, उसके बाद से वो भी हम दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और वहाँ पे मैं अगला क्लिप किस तरीके से रिकॉर्ड करूँगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। अभी हम छत पे आ चुके हैं और जो आगे का क्लिप है किस तरीके से मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो फाइनली मैं कहा था कि छत पे जाऊँगा तो जो भी करूँगा वो दिखाऊँगा, और जो भी एक्टिविटी किया जाता है फ्रेंड्स सुबह से शाम तक वहीं सारा कुछ दिखाना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारे लिए खाना आ चुका है यहाँ पे, और खाने में क्या बना है देख सकते हैं यहाँ पे, रोटी, दाल और यहाँ पे आलू बैंगन की सब्जी, यहाँ पे पानी है, पानी को थोड़ा गर्म कराती है। तो इस तरीके का आगे का क्लिप जो है हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर आगे का क्लिप कैसा होगा वो भी हम आगे जब रिकॉर्ड करेंगे तो आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, अब हमारा आगे का जो क्लिप है कि मैं रेडी हो चुका हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि हेलो फ्रेंड्स मैं अब रेडी हो चुका हूं, फाइनली अब घर से निकलने जा रहा हूं और देवरिया के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अकेले ही जा रहा हूं, तो रास्ते का ब्लॉग तो मैं नहीं शूट कर पाऊंगा, रास्ते का ब्लॉग शूट किया जाता है, अगर आपके साथ कोई है एक आदमी तो आप शूट कर सकते हैं। हम बाइक से जाएंगे तो अकेले ही जाना पड़ेगा, कोई है नहीं शायद, इस वजह से शूट नहीं हो पाएगा। तो बाइक का आप शूट कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आगे की जो वहाँ जाऊँगा देवरिया, तो वहाँ पर क्या करूँगा और कैसे करूँगा, यानी जो कुछ भी ब्लॉग में किया जाता है कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो दिखाऊंगा। सो मैं देवरिया जाने वाला हूँ, वहाँ पर ड्राइविंग सीखने वाला हूँ, यानी कार चलाना सीखेंगे, तो वहाँ पे देखते हैं। तो चलिए वहाँ पे मैं आगे की क्लिप दिखाऊंगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा जो अगला क्लिप है, देख सकते हैं मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ और बाइक यहाँ पे अभी दस्ताना जो है हाथ में पहनना है, और काफ़ी सेफ्टी के साथ मास्क लगा रखे हैं, हेलमेट पहन रखा है। तो ये हमारा अगला क्लिप है, देख सकते हैं इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि हेलो दोस्तों मैं फाइनली बाइक लेकर बाहर आ चुका हूँ, अब यहाँ से मैं सीधे अब जाने वाला हूँ, रास्ता जो है काफ़ी ख़राब है, मैं रास्ते का तो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा, मैं जो आगे वहाँ पर पहुँच के रिकॉर्ड करके दिखा सकता हूँ, तो वहाँ पर चलूँगा फ्रेंड, तो वहाँ पर अगला क्लिप मैं दिखाऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड कर लूँगा और दिखाऊँगा, चलिए आगे हम चलते हैं वहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरा अगला जो स्टेप है यह है कि हम देवरिया फाइनली जो है आ चुका हूँ, तो मैं आप किस तरीके से अपना ब्लॉग शूट करूँगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैं आया हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि तो गाइस मैं फाइनली यहाँ पे देवरिया पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है, और जहाँ मैं ड्राइविंग सीखने वाला हूँ, कार लगी हुई है यहाँ पे, लेकिन जो सिखाने वाले हैं अभी किसी और को लेके गए हैं सिखाने, और फाइनली जब वो आ जाएंगे तो हमको कार में बैठा कर, यानी हम कार में बैठेंगे और साथ में वो रहेंगे और हम ही चलाएंगे गाड़ी, और वो हमको सिर्फ बताते रहेंगे कि हाँ अब ये करो ये करो, मतलब जो भी करना होगा वो बताएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगला जो स्टेप है हम शूट कर लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी एक्टिविटी सुबह से शाम तक जो भी करते हैं उसको छोटे छोटे क्लिप में आपको रिकॉर्ड कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो आप बस इसको इतना ही कराने देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम रिकॉर्ड कर लिए, फिर आगे जो रिकॉर्ड करेंगे वो हम आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है, और बताएंगे भी, ठीक है। तो चलिए आगे के हम प्रोसेस, मतलब जो स्टेप फॉलो करेंगे वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आज हमारा अगला जो स्टेप है हम ये भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, जो हमको गाड़ी सिखाने वाले हैं भैया वो आ चुके हैं, तो मैं इस तरीके से भी कह सकता हूँ अपने ब्लॉग में कि सो गाइस मुझे जो गाड़ी मतलब ट्रेनिंग देने वाले गाड़ी सिखाने वाले हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, तो वही भैया हमको जो पीले वाले पहरे हैं वही हमको सिखाएंगे। तो इस तरीके से करके अपना ब्लॉग शूट कर सकते हैं फ्रेंड, छोटे छोटे क्लिप में जो भी आप सुबह से शाम तक एक्टिविटी अपना करते हैं वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, इस तरीके से हम सुबह से शाम तक जो भी करते रहेंगे उसको हम छोटे छोटे क्लिप में रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो चलिए आगे हम जो भी करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे और रिकॉर्ड करके भी दिखाएंगे। तो अगला स्टेप फ्रेंड्स यह है कि यहाँ पे मैं बाइक जो कार है इसमें बैठ चुका हूँ, और एक भैया जो है वो अभी अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं, देख सकते हैं वो सीख रहे हैं, इधर से वो चलाते हुए जा रहे हैं। तो हम लोग में किस तरीके से बोलेंगे, अब ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार में बैठ चुके हैं और जो हमारे मतलब जो सिखाने वाले भैया बैठ चुके हैं, और साइड में वो एक और हैं जो जिनको सिखाया जा रहा है, अभी तो हम नीचे बैठे हैं, देखिए यहाँ से भैया सिखा रहे हैं, तो यहाँ से टर्न लेंगे। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्लिप में रिकॉर्ड करना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा स्टेप हो गया, अब आगे की स्टेप क्या रहेगी वो हम आगे बताएंगे भी और रिकॉर्ड करके दिखाएंगे भी, ठीक है। तो गाइस अगला स्टेप यह है कि जैसे कि हमने ड्राइविंग वहाँ सीख लिया,
यानी जितना टाइमिंग था हमारा सीखने का वो कंप्लीट हो गया वहाँ पे। वहाँ से अब हम सीधे मार्केट होते हुए घर जाने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम ये बोलूँगा कि हे गाइस, अब वहाँ से हमने सीख लिया, जितना सीखना था टाइमिंग हमारा वो पूरा हो गया, फिर अगले दिन सीखूँगा। तो अब चलते हैं घर के लिए। तो फाइनली देख सकते हैं मैं मेन रोड पे हूँ, यहाँ पे खास देख सकते हैं मेन रोड पे है और काफ़ी ठंड है, इसलिए हेलमेट और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से हम ब्लॉग में शूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से घर चलूँगा तो घर के पे इंदा भी नहीं करूँगा, क्योंकि अभी घर पे जाऊँगा तो जो भी घर पे करूँगा वो सारा कुछ दिखाऊँगा ब्लॉग में, ठीक है। तो चलिए घर पे चलते हैं, तो वहाँ पे हम आगे की स्टेप बताते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम जो है रास्ते में रुक गए और सोचा रुक के हम आपको दिखाऊं कि मतलब जो भी करना है, यानी जो भी हम करते हैं रुक के, चाहे मतलब जहाँ भी हमारा कुछ काम होता है तो उसका भी हम छोटा छोटा क्लिप में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अभी हम जस्ट रास्ते में रुके हैं और घर जाएंगे तो वहाँ पे इन करेंगे वीडियो को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो अगला स्टेप यानी ब्लॉग में आप क्या बोलेंगे कि हे गाइस, मैं फाइनली अभी रास्ते में रुका हूँ और बहुत तेज भूख लगी थी, यहाँ पे चाट खाने आए थे, तो देख सकते हैं पे चाट बन चुका है। तो इस तरीके से कह के आप अपनी वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, यानी छोटे क्लिप में रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर जब घर के जाएंगे तो घर पे जाके इन करेंगे तो वहाँ पे अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो घर जाएंगे तो वहाँ पे इन करेंगे तो बताएंगे कैसे आपको इन करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो अगला स्टेप जो है होगा फ्रेंड्स, वो आगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अभी हम घर पे आ चुके हैं और ब्लॉग में अब आगे की स्टेप क्या है कि आगे क्या बोलना है। तो हम घर पे आ चुके हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूं, अब मैं जा रहा हूं अपना जो कपड़ा यानी पहन रखा हूं इसे निकालूं और फिर जब वीडियो का जो शूट किया हूं इसे अब एडिटिंग वगैरह करना है, जो कुछ भी करना है आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बोलने के बाद फ्रेंड्स आप ये कह दीजिएगा, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इस तरीके से बोल लेना, ठीक है। और इस तरीके से कहने के बाद से आप अपनी वीडियो को एंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो सौरभ जोशी ब्लॉग्स हैं, यानी इसी तरीके से वो अपनी वीडियो को शूट करते हैं छोटे छोटे क्लिप में, कहीं जाते हैं जैसे कि अभी हम घर पे आ चुके हैं तो इस तरीके से हम लास्ट एंडिंग करने वाले हैं, तो इस तरीके से हम लास्ट वाला रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर हम चाहें तो वीडियो को और लंबा कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेप था फ्रेंड्स, इसी स्टेप को फॉलो किया जाता है। आप चाहें तो रात तक का वीडियो आप शूट कर सकते हैं कि आज शाम को क्या बनेगा वो दिखाएंगे, वो उसके बाद से हम लोग कहीं पार्टी में जाने वाले हैं, सारा कुछ आप दिखा सकते हैं, यानी रात तक। तो हम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सौरभ जोशी अपने ब्लॉग शूट करते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।